Now we are going to convert the given NFA into its equivalent DFA. अभी यहाँ पे NFA given है और उसके transitions given है, जैसे A का transition A small A के लिए BD पे हो रहा है, B के लिए B पे हो रहा है, B का transition small A के लिए C पे हो रहा है, B के लिए BC पे हो रहा है, C का transition D पे हो रहा है A के लिए और स्मॉल बी के लिए ए पे हो रहा है, वैसे डी का ट्रांजिशन ए स्मॉल ए के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है और बी के लिए जो है ए पे हो रहा है। बट इस ट्रांजिशन टेबल में देखिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है मेंशन नहीं की गई है। पर इसके अलावा और एक चीज इस क्वेश्चन में गिवन है, वो है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द एनएफए। अगर हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द एनएफए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग फाइव ट्यूपल से क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ट्यूपल यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेट्स और सेट ऑफ स्टेट्स, चार स्टेट है ए बी सी डी। दूसरा ट्यूपल रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इनपुट सिंबल, तो दो इनपुट सिंबल है यहाँ पे ए और बी। तीसरा इनपुट सिंबल है ट्रांजिशंस डेल विच आर डिफाइंड बाय दिस टेबल, देन देयर इज अ इनिशियल स्टेट। ओके, इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेट कौन सी है, ए है, इसलिए हम लोग ए को इनिशियल स्टेट मेंशन करते हैं। और यहाँ पे फिफ्थ ट्यूपल जो है जिसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट किया गया है, जो जहाँ पे दो स्टेट्स है फाइनल स्टेट्स बी है और डी है, इसलिए हम लोग मेंशन करते हैं बी एज अ फाइनल स्टेट एज वेल एज डी एज अ फाइनल स्टेट। ओके, अभी हमें एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू डिसाइड द इनिशियल स्टेट ऑफ डीएफए। जो डीएफए हम लोग बनाने वाले हैं उसमें इनिशियल स्टेट कौन सी रहेगी, तो विच इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन एनएफए। अभी गिवन एनएफए में इनिशियल स्टेट कौन सी है, ए है, इसलिए हमारे डीएफए की भी इनिशियल स्टेट क्या बनेगी, ए बनेगी। और हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो ए के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट कैसे करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेल ए, और ये जो कैपिटल ए नाम की सेट है इसको इनपुट सिंबल दो ए स्मॉल ए। तो आपको कैसे लिखना है, डेल लिखना है, कैपिटल ए लिखना है जो कि स्टेट का नाम है, और इनपुट सिंबल लिखना है, और देखना है कि इसका ट्रांजिशन कहाँ पे होगा। तो जब हमें इसका ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये ट्रांजिशन टेबल को रेफर करेंगे, और आप देख सकते हो स्टेट ए से इनपुट ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, बी और डी पे हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बी डी। वैसे ही डेल ए को बी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, तो ए को बी इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, बी पे होता है, बराबर। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो स्टेट्स हमें राइट हैंड साइड में मिलेगी उसके लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड में हमें बी डी मिला है और बी मिला है, तो हम लोग बी डी के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे और बी के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट ट्रांजिशन फॉर बी डी फर्स्ट, तो उसके लिए हमें लिखना है डेल बी डी और इसको ए इनपुट देना है। तो अभी देखो बी और डी जो है एनएफए में, गिवन एनएफए में डिफरेंट स्टेट्स थी, पर हम लोग जो डीएफए बना रहे हैं उसमें ए बी डी को एज अ सिंगल स्टेट कंसिडर किया जाएगा और बी विल बी कंसिडर एज अ सेपरेट स्टेट। ओके, उसके अलावा डी स्टेट भी हो सकती है, तो अगर वो मिलती है तो हम लोग उसके लिए भी ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे, पर अभी बी डी के लिए फाइंड आउट करना है। तो बी डी सिंगल स्टेट है अभी तो, पर गिवन एनएफए में तो वो अलग अलग स्टेट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे और बी के लिए ट्रांजिशन देखेंगे, बी का ए के लिए देखेंगे ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, यूनियन डी का देखेंगे ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे होता है और इसका यूनियन ले लेंगे। तो देखो बी का ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, बी का ए के लिए ट्रांजिशन हो रहा है सी पे, यूनियन डी का ए के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फाइव। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ सी मिलेगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग और बी डी का बी के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बी डी का डेल बी डी और इसको इनपुट दो बी, और इसको कैसे लिखना है हमें, डेल बी को बी इनपुट दो यूनियन डेल डी को बी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो बी का ट्रांजिशन
इनपुट बी के लिए हो रहा है बी सी पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बी कॉमा सी लिखेंगे। यूनियन डी का ट्रांजेक्शन बी के लिए देखेंगे, डी का ट्रांजेक्शन बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, ए पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। और जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन एज वेल एज अनकॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे सभी अनकॉमन एलिमेंट है, तो ए बी सी लेना है हमें यहाँ पे, ए बी सी। ओके, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी के लिए, बी डी हो गया हमारा, बी के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो बी के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, बी को ए इनपुट देना है और देखना है ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है। तो बी को ए इनपुट दो, ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, सी पे, वैसे ही बी को बी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, बी को बी इनपुट दो, ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, बी सी पे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए बी सी के लिए, क्योंकि अभी बी हो गया उसके बाद सी भी बचा है, तो सी के लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट फॉर सी। तो जब हम लोग सी के लिए फाइंड आउट करोगे तो यहाँ देखो कि सी को ए इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, तो सी को ए इनपुट के लिए देखो ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, डी पे। वैसे ही सी को बी इनपुट देना है, सी को बी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, सी को बी इनपुट देने का ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, ए पे। तो हमारा सी हो गया अभी, नेक्स्ट फाइंड वे फाइंड फॉर द ए बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं डेल ए बी सी और इसको इनपुट दो ए, फिर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, डेल ए को ए इनपुट, यूनियन डेल बी को ए इनपुट, यूनियन डेल सी को ए इनपुट और इसका यूनियन लेते हैं अभी। तो देखो ए का ए के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ए का ए के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है बी डी पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी डी। यूनियन बी का ए के लिए देखो, बी का ए के लिए कहाँ पे हो रहा है ट्रांजेक्शन, सी पे। यूनियन सी का ए के लिए देखो ट्रांजेक्शन कहाँ पे था, सी का ए के लिए कहाँ पे हो रहा है, डी पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा बी सी डी, बराबर है, डी कॉमन है तो हमें कॉमन को एक ही बार पकड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी सी डी। ओके, फिर हम लोग ए बी सी को जो है बी इनपुट देते हैं, ए बी सी को बी इनपुट दो और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल ए को बी इनपुट, यूनियन डेल बी को बी इनपुट, यूनियन डेल सी को बी इनपुट, ऐसे लिखना है। ओके, तो देखो ए का ए बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, ए का बी के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है बी पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बी लिखते हैं। यूनियन बी का बी के लिए, तो बी का देखो बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, बी सी पे, बी सी। यूनियन सी का देखिए बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, ए पे। और जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी, ठीक है, बी कॉमन है तो एक ही बार लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी सी, फाइन। फिर नेक्स्ट अभी हमने ए बी सी के लिए फाइंड आउट कर लिया, सी के लिए ऑलरेडी हो गया है, देखो सी के लिए, बी सी के लिए अभी फाइंड आउट करना है, तो लेट्स फाइंड आउट फॉर बी सी। तो जब आप बी सी के लिखोगे तो कैसे लिखना है, बी सी को ए इनपुट दो, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्प्लिट करके कि बी को ए इनपुट दो, यूनियन डेल बी को, सॉरी सी को ए इनपुट दो। तो देखो बी को ए इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ पे था, बी का ए इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है सी पे, यूनियन सी का ए इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है डी पे, और इसका जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सी डी मिलेगा। ओके, देन बी सी को हम लोग बी इनपुट देते हैं, तो लेट्स गिव बी इनपुट टू बी सी, बी सी को बी इनपुट दो और लिखो फिर डेल बी को बी इनपुट, यूनियन डेल सी को बी इनपुट, ऐसे लिखना है। और देखो क्या होता है, बी को बी इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ पे, बी का ही बी इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन है बी सी पे। यूनियन सी का बी के लिए ट्रांजेक्शन कहाँ पे है, सी का बी के लिए देखो ट्रांजेक्शन कहाँ पे, ए पे। तो जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी सी मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए बी सी हो गया है, हम लोग डी के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट फॉर डी। तो डी का कैसे आएगा, डेल डी को ए इनपुट दो और देखो ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, वैसे डेल डी को बी इनपुट दो और देखो ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है। तो डी को ए इनपुट के लिए फाइव है और डी के बी इनपुट के लिए ए है नेक्स्ट स्टेट,
ओके तो डी हो गया, ए ऑलरेडी हो चुका है, ए के लिए हमने इनिशियली फाइंड आउट कर लिया इनिशियल स्टेट होने के कारण। फिर बीसीडी, तो अभी हम लोग बीसीडी के लिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि बीसीडी स्टेट अभी तक हमने ट्राई नहीं किए, तो लेट्स ट्राई बीसीडी। ठीक है, बीसीडी के लिए ट्राई करते हैं। एबीसी ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे भी एबीसी हो चुका है और सीडी बचा है। बीसीडी और सीडी के लिए अभी हमें ट्राई करना है, तो बीसीडी के लिए सबसे पहले देखते हैं बीसीडी को ए इनपुट दो, बीसीडी को ए इनपुट दो और इसको लिखो डेल, बी को ए इनपुट यूनियन डेल बी को, सॉरी सी को ए इनपुट यूनियन डेल डी को ए इनपुट, और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो बी को ए इनपुट के लिए ट्रांजिशन देखो कहाँ पे हो रहा है, सी पे हो रहा है, वैसे सी का ए इनपुट के लिए डी पे हो रहा है, यूनियन डी का ए इनपुट के लिए फाइव है। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनियन सी डी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी डी लिखते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, बी सी डी को बी इनपुट देते हैं, तो बी सी डी को बी इनपुट दो और लिखो, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे कि बी को सी इनपुट दो, यूनियन डेल सी को बी इनपुट दो, यूनियन डेल डी को बी इनपुट दो, और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो बी का बी के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, बी सी पे हो रहा है, बी सी, यूनियन सी का बी के लिए देखे ट्रांजिशन सी का बी के लिए ए पे हो रहा है, और डी का भी बी के लिए जो है ए पे हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं। और जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा ए बी सी। अभी नेक्स्ट देखो क्या बचा है, तो अभी क्या बचा है, ए बी सी हो गया, सी डी बचा है, तो सी डी के लिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, ए हो गया है यहाँ पे, सी डी बचा है वैसे यहाँ पे, और वहां पे भी देखो सी डी मिला हमको, यहाँ पे हमें ए बी सी मिला जो ऑलरेडी हो चुका है, तो लेट्स फाइंड आउट फॉर सी डी। तो सी डी के लिए फाइंड आउट कर यहाँ पे लिखते हैं, सी डी के लिए डेल सी डी, सी डी को ए इनपुट दो, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल सी को ए इनपुट दो, यूनियन डेल डी को ए इनपुट दो। सी को ए इनपुट के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, सी का ए के लिए डी पे होता है, यूनियन डी का ए के लिए कहाँ पे हो रहा है ट्रांजिशन फाइव, और इस दोनों का जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ डी। वैसे ही सी डी को हम लोग बी इनपुट देते हैं, सी डी को बी इनपुट देते हैं और देखते हैं ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, जिसको स्प्लिट करके लिखना है हमें, तो सी को बी इनपुट देंगे, यूनियन डेल डी को बी इनपुट दो, और देखो सी का बी इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, तो सी का बी के लिए ए पे होता है, डी का भी बी के लिए ए पे होता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ए आएगा, यूनियन यहाँ पे भी ए आएगा और इसका यूनियन आता है ए। तो अभी देखिए हमको जो भी स्टेट्स मिली है सी डी, इसके लिए भी हमने ट्रांजिशन फाइंड आउट कर ली है, ए बी सी हो गया है, ये ए हो गया है, ये सी डी भी हो गया है, अभी जस्ट सी डी हुआ है, फिर हमारा ए बी सी हुआ। तो अभी कोई भी नई स्टेट नहीं है जिसके लिए हमारे पास में ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सभी स्टेट्स के ट्रांजिशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं इक्वेलेंट डीएफए। ट्रांजिशन टेबल फॉर इक्वेलेंट डीएफए इज, इसमें हमें क्या लिखना है, स्टेट्स लिखना है, इस साइड में सेट ऑफ इनपुट सिंबल लिखना है। तो इनपुट सिंबल कौन से हमारे पास, यहाँ पे ए है और बी है, और स्टेट्स कौन से हैं, ए से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो ए विच इज इनिशियल स्टेट, इसका ट्रांजिशन बी डी पे हो रहा है, इसका ट्रांजिशन बी के लिए जो है बी पे हो रहा है, फिर हम लोग लिखेंगे बी डी के ट्रांजिशन, बी डी का ट्रांजिशन ए के लिए कहाँ पे हो रहा है, सी पे, और बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, ए बी सी पे। तो हमने बी डी का लिख दिया ट्रांजिशन, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सी का ट्रांजिशन, सॉरी नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं बी का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन देखो कहाँ पे हो रहा है, तो बी का ट्रांजिशन ए के लिए सी पे हो रहा है, बी के लिए बी सी पे हो रहा है, फिर हम लोग लिखते हैं सी का ट्रांजिशन, सी का ट्रांजिशन ए के लिए जो है डी पे हो रहा है,
और बी के लिए ए पे हो रहा है। फिर एबीसी का ट्रांजिशन लिखते हैं। एबीसी, एबीसी का ट्रांजिशन देखिए, ए के लिए बीसीडी पे हो रहा है और बी के लिए जो है एबीसी पे हो रहा है। फिर बीसी का ट्रांजिशन लिखते हैं। बीसी का ट्रांजिशन ए के लिए जो है सीडी पे हो रहा है और बी के लिए एबीसी पे हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं डी के लिए ट्रांजिशन। डी का ट्रांजिशन देखो कहां पे हो रहा है, ए के लिए फाइव पे हो रहा है और बी के लिए जो है ए पे हो रहा है। फिर हम लोग लिखते हैं बीसीडी का ट्रांजिशन। बीसीडी का ट्रांजिशन देखें, बीसीडी का ट्रांजिशन ए के लिए कहां पे हो रहा है, सीडी पे, और बी के लिए कहां पे हो रहा है, एबीसी पे। ओके, देन सीडी का ट्रांजिशन लिखते हैं। सीडी का ट्रांजिशन ए के लिए हो रहा है डी पे और बी का बी के लिए हो रहा है ए पे। तो अभी हमने सभी स्टेट्स के लिए ट्रांजिशन यहां पे लिख लिए हैं। इनिशियल स्टेट हमें पता है ए, जो हमने पहले डिसाइड कर ली थी कि इनिशियल स्टेट सेम ही रहने वाली है, बट हमें फाइनल स्टेट डिसाइड करना है कि फाइनल स्टेट कौन सी रहेंगी। तो जो गिवन एनएफए था उसमें बी और डी फाइनल स्टेट थी, ठीक है, बी और डी फाइनल स्टेट थी। उसके कारण यहाँ पे हमें जब हम लोग फाइनल स्टेट डिसाइड करेंगे तो जहां जहां पे बी या डी आता है तो वो सब स्टेट्स क्या बनेंगी, फाइनल स्टेट्स बनेंगी। तो ये बी डी फाइनल स्टेट बनेंगे क्योंकि यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ बी प्रेजेंट है तो ये फाइनल स्टेट बनेंगे। यहाँ पे देखो बी प्रेजेंट है उसके कारण ये फाइनल स्टेट बनेगी। यहाँ पे बी प्रेजेंट है फाइनल स्टेट बनेगी। यहाँ पे डी प्रेजेंट है फाइनल स्टेट बनेगी। यहाँ पे बी प्रेजेंट है और डी भी प्रेजेंट है इसलिए फाइनल स्टेट बनेगी। और यहाँ पे डी प्रेजेंट है इसलिए ये क्या बनेगी, फाइनल स्टेट। तो ये सारी यहाँ पे फाइनल स्टेट्स बनेगी और बाकी की जो है नॉन फाइनल स्टेट्स रहेंगे, जैसे ए है, सी है, डी, ये सॉरी ए और सी दो ही स्टेट ऐसे हैं जो नॉन फाइनल है, बाकी के सभी स्टेट्स क्या है, फाइनल है, क्योंकि उसके साथ एक तो बी है नहीं तो डी है। ओके,